अभी तो इनको बंद रखो, अभी होली उली बाद देखेंगे इनको। अच्छा मतलब इतनी गर्मी है, गाड़ी चढ़ा दी ऐसे गुंडों के पास आके, वो कौन सी है, फॉर्च्यूनर होती क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए, और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। मुकदमा वापस लू तो मैं मार डालूंगा, चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर।9 साल 23 दिन 13-2-23 को रिपोर्ट आई थी, तब तक है 23 दिन। 9 साल अबव 9 इयर्स हो गया जी। घटना कब की है? 2013 29-3-2013। और ऑफेंस 302 का है। रेड विद सोला पीलांट। नाम? नवल रावत। सेंट्रल जेल में होगा ये तो जी सर। हाँ सजा के बाद ही मार रहे होंगे सर। रिपोर्ट आई है, एक कॉपी दे देते तो लिखा तो एक्चुअली नहीं होगा उसमें। विचाराधीन अवधि है सर 3 वर्ष 26 दिन। भुगती गई सजा 5 साल 11 माह। एक्चुअल कर दिया। मरा कौन है? दोनों नहीं, सोनू एक मरा। अच्छा मतलब इतनी गर्मी है, नहीं गाड़ी चढ़ा दी, मोटरसाइकिल पे चढ़ाई, मोटरसाइकिल कुछ हुआ नहीं, और इनको भी हो गया, एक बच गया, एक को चोट लगी एक्सीडेंट। हाँ हाँ तो कुछ जरूरी मोटरसाइकिल चोट आवे तभी इनको चोट आएगी। चल के वाना एक ही सीट में दोनों लोग आ जाना, एक मर जाना, एक को दोनों एक ही साथ में गिरेंगे। अच्छा 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 भाई, जब एक्सीडेंट करने में निशाना होना चाहिए ना। लॉर्डशिप जब इतनी जोर से एक्सीडेंट करेंगे तो वो यानी बहस वो करो जिसमें कुछ तो रीजनेबिलिटी हो। लॉर्डशिप इसमें मोटरसाइकिल बेतुकी बहस कोई औचित है? अरे तुमने धक्का मार फिर जोर मारा होगा, उछल गिर पड़े होंगे वो, अब चढ़ा दी उसके ऊपर गाड़ी उनके ऊपर, और मरा उसी से है। अब बोलते हैं क्या था? एक मर गया एक बच गया, अगर चढ़ा दे दोनों मरते। एक्सीडेंट का केस तो है लेकिन कहीं और एक्सीडेंट हुआ जिसको ये। हाँ आपको आपको फंसा दिया गया, सही बात। सब इंटरेस्टेड विटनेस है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। 9 साल तो हो ही गए और रेमिशन मिला के काफी। अरे है गुंडागर्दी की भी एक सीमा होती है। उस पर भी निपट गए, उस दिन सजा पड़ गई आपको। उसी भी राजीनामे के लिए प्रेशर बना रहे थे तो। हाँ वही तो, अगर ये बात ना होती तो बात इसमें कैसे आती? गाड़ी भी इनकी है, एक उसमें एग्रीमेंट है जिससे इन्होंने गाड़ी खरीदा, उसकी स्टेटमेंट भी है पैरा 70। ऐसे गुंडों के पास आके, वो कौन सी है, फॉर्च्यूनर होती क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए, है? और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। आजकल थार में बैठते हैं लोग। थार क्या है सर? गाड़ी आ रही है जीप, जिप्सी टाइप की, उसमें ओपन जितने भी है। जितने भी ये क्या बोलते हैं, मवाली मवाली कहलाएंगे ऐसे लोग तो, यानी गुंडागर्दी। देखो मुकदमा वापस लू नहीं तो मैं मार डालूंगा, चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर। 100% रोड पर सरिया से मारा था, पहले पहली घटना हुई थी। आई विटनेस भी है, इंजर्ड विटनेस जो जो दूसरे वाले को। हाँ राइट राइट। हाँ क्या इनकी दहशत बहुत है क्या वहाँ पर? कहाँ का मुकदमा है ये? चंदेरी का है, अशोक नगर चंदेरी, अशोक नगर। नहीं इनकी इनकी मानसिकता खराब है, पहले भी मारा उसको रॉडों से मारा और इस बार कुचल दिया। जबकि वो मेला था, वहाँ प्रतिबंधित था क्षेत्र में, उसके बाद भी वो पुलिस वाले नहीं, मतलब कोई 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 ऐसा नहीं है जिस इसको किसी ने अन्य से उकसाया हो या कुछ किया हो। मैं थोड़ा सा इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, इंटरेस्टेड है। मैं मतलब जो मोटरसाइकिल बैठा था जिसको चोट आई है इग्नोर कर दे। प्रीवियस एनिमिटी ये तो आया है लॉर्ड से उसमें, और जो दूसरा आदमी साथ में मोटरसाइकिल बैठा था जिसको चोट आई जी, उसके इंजर्ड,
उनकी एविडेंस को डिसबिलीव करने का क्या कारण है? इससे कि भाई प्रीवियस एनिमिटी थी ये कहा है, और ये उनका कहना ये है कि पहले जो हुआ था उसमें इसको चोट आई है कि नहीं आई? हाँ, इसको चोट आई है, उसी मोटरसाइकिल में बैठा था। हाँ, प्रेजेंस तो प्रूफ है स्पॉट पे, इसकी प्रेजेंस तो प्रूफ है। अभी तो इनको बंद रखो, अभी होली उली बाद देखेंगे इनको, फिर नाटक करेंगे ये, 10 साल हो जाने दो इनको। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग, इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, ये ना को होली में निकले और रंग वंग डाल के अपने ऊपर और रिवॉल्वर लेके जाके और 2-4 को मारा हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतनी गर्मी है इनके अंदर कि उसको बोलते मुकदमा वापस में तो मार डालेंगे, और चढ़ा दी गाड़ी, ऐसा जमींदारी समय में नहीं उतरा होगा। डिसमिस लगाओ जुलाई में लगा दो।